प्रशासन, डॉक्टर सब पीड़ित के साथ खड़े होते हैं, स्टेट विक्टिम के साथ खड़ा होता है, विक्टिम की लड़ाई स्टेट लड़ता है, लड़ता है या नहीं लड़ता है। मगर इस हाथरस के बलात्कार के अंदर 14 सितंबर को जब बलात्कार हुआ, लड़की की बिना कपड़ों की अधमरी शरीर उसके घर वालों ने सुबह अपने खेत में देखी, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी थी, उसके हाथ पांव चलने बंद हो चुके थे, पैरालाइसिस हो चुका था, जुबान काट दी गई थी, तो उसके घर वालों ने कहा हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। 14 सितंबर को कहा और पुलिस ने कहा, योगी की पुलिस ने कहा तुम दलित झूठ बोल रहे हो, कोई बलात्कार नहीं है। 19 तारीख को बहुत दबाव के बाद एक मुकदमा दर्ज किया गया और बलात्कार का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। 22 तारीख को लड़की को होश आ गया, उसने बयान दे दिया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। उसके बाद भी SHO ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज नहीं किया, छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया। 16 तारीख के बलात्कार को 22 तारीख के बाद रजिस्टर किया गया। बताइए 8 दिन बाद इस मेडिकल जांच के अंदर बलात्कार की पुष्टि हो सकती है। तो SHO मिला हुआ था, DSP मिला हुआ था, डॉक्टर मिला हुआ था, PM मिला हुआ था। उस लड़की को सोचा कि मर जाएगी बिना इलाज के, रेप का मुकदमा दर्ज नहीं करना पड़ेगा। जो ऐसा है कि SHO मिला हुआ है, डॉक्टर मिला हुआ है, SSP मिला हुआ है, ADG मिला हुआ है, PM मिला हुआ है, और लड़की की लाश चुपचाप अंधेरे में, अंतिम संस्कार नहीं कहूंगा, हिंदुओं में अंतिम संस्कार सुबह होता है, मैं कहूंगा पेट्रोल से उन्होंने सबूत नष्ट किए, लाश को नष्ट किया ताकि कोई पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल रिपोर्ट ना बनाया जा सके। इंद्रिंदों ने रातों रात लाश को पेट्रोल छिड़क के जला दिया, बिना घर वालों को बताए जला दिया, घर वालों को ताले में बंद करके जला दिया। तो पूरा का पूरा प्रशासन बलात्कारियों के